अमनेकम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। ग्रेड 7 मैथ्स थर्ड वीक का ये सेकंड लेक्चर, जिसमें हम प्रैक्टिस नाउ 12 जो है उसको डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस नाउ 12 में हमारे पास 3 नंबर्स का एलसीएम है जो हमने फाइंड करना है। तो आपके पास नंबर्स हैं 9, 30 एंड 108। फाइंड द एलसीएम ऑफ 9, 30 एंड 108। 9 की फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो हमारे पास आएगी 3 क्रॉस 3। 9 एक ऑड नंबर है, 3 पे डिवाइड हो सकता है, 2 पे तो ये हो नहीं सकता। 3 3 टाइम 9 3 1 टाइम। अब आप 30 की फैक्टराइजेशन ले लें, 2 15 टाइम, ये आपके पास एक इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड हो सकता है। 15 एक ऑड नंबर है, इसको 2 पे नहीं कर सकते, 3 पे हो सकता है। 3 5 टाइम, और 5 एक प्राइम नंबर है तो ये 5 पे डिवाइड होगा। 2 इंटू 3 इंटू 5। अब लास्ट नंबर है आपके पास 108। अब 108 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 108 आपके पास एक इवन नंबर है तो ये आपका 2 पे डिवाइड होगा। 2 5 टाइम 2 4 टाइम 2 2 टाइम 2 7 टाइम। 54 भी एक इवन नंबर था, ये भी 2 पे डिविजिबल। 27 एक ऑड नंबर है, ये 3 पे डिविजिबल होगा। 3 9 टाइम। 9 एक ऑड नंबर है, ये 3 पे डिविजिबल होगा। 3 3 टाइम। 3 एक प्राइम नंबर है, ये 3 पे डिविजिबल होगा। अब इसके फैक्टर्स को राइट करें, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इनमें सारी वैल्यूज में से जो कॉमन है वो एक तो आपके पास है 3। एलसीएम जब हम लेते हैं तो फर्स्ट हम देखते हैं सब में कॉमन कौन सा है। अगर सब में कोई कॉमन ना हो तो फिर हम 2 वैल्यूज में से देख लेते हैं। ये आपकी 2 में से कॉमन है, आपकी आपका 2 कॉमन है, और ये अगर मैं देखूं तो ये 5 भी कॉमन आ रहा है, और ये 3 इस 3 के साथ कॉमन आएगा। तो इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो मेरे पास होंगे, कॉमन फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये कॉमन फैक्टर्स हैं सारे। और नॉन कॉमन कौन से होंगे? नॉन कॉमन फैक्टर्स आपके इसमें हो सकते हैं, ये 2 रहता है आपके पास अभी, ये वैल्यू भी कॉमन थी, ये 3 भी कॉमन था, ये 2 कॉमन नहीं था। इस 3 को इसके साथ कॉमन किया, इस 5 को इस 5 के साथ कॉमन किया। तो एलसीएम क्या आएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। मल्टीप्लाई करते हैं सबको, 5 2 टाइम आपके पास आएगा 10 10 3 टाइम आपके पास आएगा 30, और 30 3 टाइम आपके पास 90 होगा, और 92 टाइम आपके पास 180 होगा। इन सारी वैल्यूज का आपके पास जो, सॉरी, इसकी फैक्टराइजेशन में हमने थोड़ी नंबर्स राइट करने में शायद मिस्टेक है हमारी। ये लास्ट पे आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। 108 की फैक्टराइजेशन चेक करें तो लास्ट आपका फैक्टर 3 आ रहा है, हमने यहाँ पे इसको 5 कर दिया था। तो फिर क्या होगा, ये 5 और 3 जो है ये भी आपके नॉन कॉमन में आएंगे। आपके पास अब कॉमन कौन से हो सकते हैं, 2 3 एंड 3, और ये जो आपके पास 3 और 5 है ये आपके पास नॉन कॉमन में आ जाएंगे। तो अब अगर मैं इसके कॉमन लिखूं तो 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 होगा, और नॉन कॉमन में लिखूं तो ये आपके पास होगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं,
थ्री टाइम 15, 15 टू टाइम 30, 30 थ्री टाइम 90, 90 थ्री टाइम 2, 70, 2, 70 टू टाइम 540, ये आपके पास एलसीएम वैल्यू आएगी। ये जो लाइट सी मिस्टेक थी ये इस वजह से थी कि ये लास्ट जो फैक्टर है इसको हमने 5 राइट कर दिया था, इस वजह से ये कॉमन फैक्टर्स में आ गए थे और आपकी वैल्यू छोटी हो गई थी। तो इस तरह आपने तीन नंबर्स का जो एलसीएम फाइंड करना है। अगर तीनों नंबर्स में से कोई फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा तो उसको फिर चेक करें टू में से तो कॉमन आ रहा है या नहीं। अगर टू में कॉमन आ रहा है तो वो भी आपका कॉमन फैक्टर्स में आएगा, अगर थ्री में कॉमन आ रहा है तो वो भी कॉमन फैक्टर्स में आएगा, और अगर वन में आ रहा है तो वो तो फिर कॉमन हो ही नहीं सकता। तो ये आपने फाइंड कर लिया। प्रैक्टिस नाउ 12 का एक ही क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद प्रैक्टिस नाउ 13 पे आ जाएं। क्वेश्चन है, थ्री बेल्स टॉल एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 15 मिनट, 16 मिनट एंड 36 मिनट रिस्पेक्टिवली, गिवन दैट दे टॉल टूगेदर एट 2 पीएम, एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टूगेदर। अब आपके पास हैं थ्री बेल्स हैं, एक 15 मिनट्स के बाद जो है वो टॉल करती है, एक 16 बाद करती है, 36 के बाद करती है। तो बात ये है इसमें कि पहले इन्होंने एक साथ जब टॉल किया था तो वो आपके आपका टाइम क्या था, 2 पीएम। अब हमने नेक्स्ट टाइम बताना है जब ये टॉल टुगेदर होंगी, एक साथ ये रिंग करेंगी। तो बच्चे जब भी आपने कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करनी हो, आप कहते हैं कि किसी बंदे ने लोगों ने कोई रेस स्टार्ट की है, एक जो है वो ट्रैक को 15 मिनट में कर रहा है कवर, एक 16 में कर रहा है, एक 17 में कर रहा है, तो वो करते रहेंगे ये अपनी जो रेस है, तो कौन सा टाइम ऐसा होगा जब वो एक साथ ट्रैक को पार करेंगे। तो हम इसके लिए एलसीएम करते हैं, हमें इसके लिए एलसीएम करना होता है। एलसीएम क्यों करना होता है कि वो छोटे से छोटा नंबर हमने लेना होता है, या वो छोटे से वो करीबी तरीन आपने इंटरवल लेना है जब जब ये एक साथ जो है वो रिंग करेंगी, तो वो एलसीएम ही हो सकता है, ग्रेटेस्ट तो नहीं हमने फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, मैं इसकी स्टेटमेंट्स वगैरह जो है वो नहीं राइट कर रहा, स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी बुक के ऊपर गिवन है, 15, 16 और थर्ड वैल्यू आपकी 36, सबकी आप ले लें, प्राइम फैक्टराइजेशन सबकी ले लें। 15 एक ऑड नंबर है, इसको 3 से डिवाइड करें, 3 5 टाइम, और 5 एक प्राइम नंबर है, 5 को 5 से करें, 5 1 टाइम, तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी 3 इंटू 5। अब 16 की ले लेते हैं, इवन नंबर है, 2 पे डिविजिबल होगा, 2 8 टाइम, 8 भी इवन नंबर है, ये भी 2 पे डिविजिबल, 2 4 टाइम, 4 भी इवन नंबर है, 2 पे डिविजिबल, 2 2 टाइम और 2 1 टाइम, इसकी भी फैक्टराइजेशन आ गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर आ जाए लास्ट 36 की फैक्टराइजेशन पे, ये भी एक इवन नंबर है, 2 पे डिविजिबल होगा, 2 18 टाइम, ये भी इवन नंबर है, 2 पे डिविजिबल होगा, 2 3 2 9 टाइम, ये आपके पास एक ऑड नंबर है, इसको 3 पे ट्राई करते हैं, 3 3 टाइम और 3 1 टाइम, इसकी भी फैक्टराइजेशन राइट कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब पहले चेक करते हैं सब में से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं, सब में से आपकी कोई वैल्यू कॉमन है या नहीं है। तो ये इसका जवाब ये है कि सब में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये टू इनमें से कॉमन आ रहा है, ये इनमें से कॉमन आ रहा है, और ये जो थ्री है ये इस थ्री के साथ अगर मैं इसको कॉमन ले लूं तो एलसीएम इसका हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले मैं कॉमन जो फैक्टर्स हैं उनको राइट करूंगा, कॉमन फैक्टर्स आपके पास होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, नॉन कॉमन, नॉन कॉमन आपके पास होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 टाइम 15, 15 3 टाइम 45, 45 2 टाइम
90-92 टाइम आपके पास होगा, 180-182 टाइम, 360-362 टाइम आपके पास आएगा, 720। तो ये 720 आपके पास वह इसका जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। तो ये 720 जो है ये सेकंड्स हैं, 720 सेकंड्स हैं। इसको मिनट्स बनाना हो, इसको मिनट्स बनाना हो तो क्या करते हैं, 720 को आप 60 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि एक मिनट में आपके 60 सेकंड्स होते हैं। तो आपके पास जो मिनट्स आ जाएंगे वो ये होंगे, 12 मिनट्स आपके पास आ जाएंगे, 12 मिनट्स। तो पहले इन्होंने टॉल किया था 2 PM पे, अब इसमें 12 मिनट्स ऐड कर दें, तो नेक्स्ट टॉल इनका कब होगा, 2:12 PM। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो बड़ा सिंपल सा है। आप एलसीएम लें, सबका एलसीएम फाइंड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो सेकंड्स में होगी, आपको उसे मिनट्स में करना होगा। मिनट्स में उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम उसको 60 पे डिवाइड करते हैं, 60 पे डिवाइड करने के बाद जो आपका जवाब आता है वो मिनट्स में आ जाता है। और 2 बजे इन्होंने एक साथ रिंग किया था, आप 2 में इसको ऐड कर दे तो आपके पास 2:12 PM नेक्स्ट आपका इंटरवल होगा जब ये एक साथ कॉल करेंगी। अब सेकंड पार्ट है इसका, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है प्रैक्टिस नाउ 13 में। फरहान हैज 3 पीसेस ऑफ रोप विद लेंथ 140, 168 एंड 210 सेंटीमीटर। ही विशेस टू कट ऑल द पीसेस ऑफ रोप्स इन स्मॉलर पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ सच देयर इज नो लेफ्ट ओवर रोप। आपको क्या करना है, फरहान के पास 3 पीसेज हैं एक रोप के, आपने ये करना है कि इन सारे पीसेस को जो है वो इक्वल, जो पीसेज हैं इक्वल लेंथ के उसमें कट करना है। तो आपको जो है इसका HCF फाइंड करना पड़ेगा। HCF फाइंड कर लें, इसका HCF फाइंड करने के बाद हमें ये भी बताना है कि कितने पीस बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो है HCF आता है 12, तो आपकी फर्स्ट लेंथ अगर 168 है तो आप उसको 12 पे डिवाइड करें, कितने पीस बन जाते हैं। तो ये इसके पीसेस, सेकंड के पीसेस, थर्ड के पीसेस आप इस वे से निकाल लें। आप लोग ट्राई करें, अगर आप लोगों को कोई इशू हो तो ये मैं खुद करवा दूंगा। आपको फर्स्ट उसका जो है वो HCF फाइंड करना है, फिर इसके नंबर ऑफ पीसेस फाइंड करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 1B जो है वो स्टार्ट होगी, और अगर मुझे फील हुआ कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।